वेलकम बैक एवरीवन, आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। आई एम बैक अगेन विद अ वेरी वेरी पावरफुल टॉपिक। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आपके दिमाग काम कैसे करता है इसको समझने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट समझना बेहद जरूरी है। नई चीज है प्लेसिबो इफेक्ट, समथिंग फेक। ध्यान से सुनिए, समथिंग फेक इज बिलीव्ड एनफ बाय समबडी That it becomes something real। जी हाँ, कुछ झूठ इतनी शिद्दत से मान लिया जाता है कि वो सच लगने लगता है। Something fake becomes something real because of someone perception। कोई आदमी सच मान लेता है झूठ को और बॉडी वैसा बिहेव करने लगती है। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके लिए आज की इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिए। जिंदगी में हर अच्छी और बुरी बात का असर सबसे पहले आपके दिमाग पर पड़ता है और दिमाग पर असर होने से उसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है। आपको बताता हूं कि प्लेसिबो इफेक्ट काम कैसे करता है। किसी दुनिया में किसी शहर के अंदर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। साइंटिस्ट उस व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा कि हम तुझे 4 दिन के बाद हैंग करना चाहते हैं और जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा तो तेरे गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेंगी, तुझे भयंकर दर्द होगा, 4 से 5 मिनट तुझे लटकाया जाएगा। हम तुझे एक ऑप्शन देते हैं, हम तुझे एक चॉइस देते हैं। तो उस आदमी ने पूछा चॉइस क्या है। उसने बोला चॉइस ये है कि हम तुझे कोबरा बाइट कराएंगे और 5 सेकंड के अंदर अंदर तेरी मौत हो जाएगी। अब मरना तो तूने है, तो कॉल तेरी है कि 4 से 5 मिनट का भयंकर दर्द सहना चाहता है या कोबरा बाइट लेकर 5 सेकंड में मरना चाहता है, और हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो देश के किसी काम आ जाए। तो उस आदमी ने सोचा, उसने एग्री किया कि ठीक है, आप मुझे कोबरा बाइट दीजिए। 4 दिन के बाद जब सांप से उसको डसवाने की वक्त आया तो उस व्यक्ति को एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया और उस व्यक्ति ने दूर देखा कि 20 फीट दूर एक व्यक्ति हाथ में कोबरा लेके खड़ा है। डॉक्टर ने टाइम चेक किया, जज ने टाइम चेक किया और इशारा किया गया उस व्यक्ति को कि आप आइए और कोबरा को लेकर आइए और बाइट कराइए। और व्यक्ति 20 फीट दूर से चलता 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 उसके पास आता है और करीब करीब 5 फीट दूर रुक जाता है। अब उस आदमी ने जिसको बाइट दिए जानी थी, जिसको कोबरा ने जिसको डसना था, वो इंतजार कर रहा है और जैसे ही वो 5 फीट दूर आके जिसके हाथ में कोबरा है रुक जाता है। उस व्यक्ति के सर के ऊपर वो काले रंग का स्कार्फ बनाया जाता है, एक प्रोटोकॉल है कि अब तेरी मौत बिल्कुल तेरे सामने खड़ी है, और उसके हाथ को बांध दिया जाता है चेयर के ऊपर, और जैसे ही उसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है एक इशारा होता है और वो लड़का जिसके हाथ में कोबरा था वो दबे पांव पीछे लौट जाता है और उसकी जगह एक और आदमी आता है जिसके हाथ में महज एक नीडल है, महज एक सुई है, और वो आकर उस व्यक्ति के हाथ में जिसका हाथ बंधा है, जिसको फांसी होने वाली थी, जिसको कोबरा बाइट कराने वाली थी, कोबरा बाइट नहीं, महज सिर्फ एक पिन चुबाता है। पिन चुबते ही 5 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। साथियों, हैरानी होगी आपको यह बात जानकर जो मैं अगली बात बताने वाला हूं। जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है उस व्यक्ति के शरीर से पॉइजन मिलता है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपके दिमाग ने शिद्दत से इस झूठ को सच मान लिया कि आपको कोबरा बाइट दिया गया है, सांप ने आपको डसा है, शरीर ने जहर बना भी दिया, आदमी की मौत भी हो गई, और यह सच्ची घटना है। मेडिकल साइंस में इन बातों का कोई जवाब नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ही आपका दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आया, जैसे ही आपके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव विचार आया, नेगेटिव फीलिंग आई, योर ब्रेन ट्रिगर दिस एज अ थ्रेट। आपका ब्रेन ट्रिगर करता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। ये तुरंत स्ट्रेस हॉर्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज कर देता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अवर रेगुलर डेली लाइफ। साथियों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसका ध्यान रख। जीवन की सभी लड़ाइयां पहले दिमाग में और बाद में मैदान में लड़ी और जीती जाती है। अपने दिमाग का विशेष ध्यान रखें, इसका पोषण अच्छे से करें, क्योंकि यही आपकी जीवन की गति को पार लगाएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी कर कर आए। आज के वीडियो में आपको जो भी बात अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय।